हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज की इस वीडियो में आपको ये वाली वीडियो का एडिटिंग बताने वाली हूँ। ये वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस वीडियो को हम टाइम मास्टर की मदद से बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को एडिट करना है, तो उसके लिए हमें पिक्सेल ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। फिर इसको ओपन करना है, आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। फिर अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको इसमें से फोर्थ वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको ये ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट पे जाके यहाँ से सबको बैक कर देना है। फिर आपको अपना अल्फाबेट लेटर एक टाइप कर लेना है, मैंने एम टाइप कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से खींच के इसे बड़ा कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर करना है इस तरफ, आपको इस वाले पे कलर वाले पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है इसको। फिर आपको यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको कोई से भी एक सेलेक्ट कर देना है जो आपको पसंद हो। तो कोई सा भी एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कोई सा भी। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इसे बोल्ट कर लेना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे। फिर आपको ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर देना है। फिर अब आपको इसे सेव कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। और ये अब आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। और फिर आपको ये सेव्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इस पर सर्कल वाले पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ इसकी ऑपेसिटी को कम कर देना है और इसके स्ट्रोक को पूरा फुल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको इसमें से कलर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऊपर। फिर आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, फिर सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। फिर आपका इमेज गैलरी में सेव हो चुका है। अब हमें काइंड मास्टर ओपन करना है, तो काइंड मास्टर ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको फर्स्ट वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको गूगल से फॉगी ग्लास इमेज डाउनलोड कर लेना है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको इस पर क्लिक करके इस इक्वल वाले पे क्लिक कर देना है और इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है और जो हमने पिक्सेल ऐप से इमेज बनाया है उसे सिलेक्ट करना है, जैसे पहले मैंने ये वाला बनाया था। फिर आपको इसे यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसे खींच के इतना बड़ा नहीं छोटा ही रखेंगे। फिर आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है, तो हम इतना रखते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा आगे करना है एक दो सेकंड। फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मैं एनिमेशन सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इन एनिमेशन में जाना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, फिर आपको ये वाइप राइट या वाइप लेफ्ट कोई भी सिलेक्ट कर देना है, मैंने ये वाला कर दिया है। फिर आपको टाइमिंग थोड़ा लेट रखना है, इतना रख सकते हैं। अब आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोबारा से, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, जो सर्कल बनाया था पिक्सेल ऐप से उसे सिलेक्ट करना है। फिर इसे हमें टेक्स्ट में पूरा इसे अच्छे से सेट कर देना है। हमें टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना है, तो हम इस पर टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और इसे हम छोटा कर लेते हैं। और जैसे हमने टेक्स्ट में एनिमेशन सेलेक्ट किया था, वैसे ही हमें इस ग्रीन वाले सर्कल पे भी सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। एक जो फायर इफेक्ट था उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं जो मैंने लगाया था। आपको गेट मोर पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं बता देती हूँ आपको कौन सा डाउनलोड करना है। नीचे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और फिर आपको यहाँ पे नीचे नीचे करते जाना है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस वाले को डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने और पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, अब इधर बैक आ जाना है क्रॉस पे क्लिक करके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये सर्कल वाला ही सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको इसे सेट कर देना है। ये भी बहुत बड़ा हो गया, इसे हम छोटा कर लेते हैं। पहले तो सर्कल को, ग्रीन वाले सर्कल को पहले छोटा कर लेते हैं, फिर हमने इस फायर वाले सर्कल को भी छोटा कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। जैसे मैं सेट कर रही हूँ वैसे ही आपको सेट कर लेना है, क्योंकि ये अच्छे से सेट नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे पहले अच्छे से सेट कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं ये सब छोटा छोटा ही है, थोड़ा थोड़ा है, मतलब पूरे वीडियो में नहीं है। तो आपको इस वाले पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। वैसे ही हमें सभी टेक्स्ट को और सर्कल को बढ़ा देना है, और इस फायर वाले सर्कल को भी हम पूरे वीडियो में सेट कर देते हैं। तो ये हो चुका है। अब आपको इस पे एनिमेशन सिलेक्ट कर देना है, तो आपको फेड वाला सिलेक्ट कर देना है। इसकी टाइमिंग जल्दी कर देते हैं। तो ये हो चुका है, मैं इसे चला के दिखा देती हूँ। फायर काफ़ी लेट बाद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसे स्टार्टिंग से कर देना है, और इसे पीछे वीडियो के इक्वल तक कर देना है। फिर अब आपको करना क्या है, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, फिर आपको फर्स्ट वाला साइज सिलेक्ट करना है, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बैकग्राउंड वीडियो का, इस वाले वीडियो का। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे पहले हम कट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ तक हम रख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर कैची वाले ऑप्शन पे जाकर ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, जो वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फुल साइज कर लेना है। फिर आपको इस पे क्लिक करके क्रोमा के का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसे इनेबल कर देना है। यहाँ पे की कलर में ब्लू कलर सेलेक्ट है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ग्रीन कलर रिमूव कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। तो बस इतना, अब मैं इसको चला के दिखा देती हूँ। देख सकते हैं एकदम अच्छे से परफेक्ट वीडियो बन चुका है आपका। ऐसा वीडियो टिकटॉक पे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने अगर ऐसा वीडियो टिकटॉक पे नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, और कैची वाले ऑप्शन पे जाके ट्रिम टू राइट कर देंगे। आपको यहाँ इस बैकग्राउंड वाले वीडियो पे क्लिक करके, वॉल्यूम पे क्लिक करके इसके वॉल्यूम को म्यूट कर देना है, और आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, और मीडिया पे क्लिक करना है। जो भी साउंड को आपको ऐड करना हो उस वीडियो को पहले डाउनलोड कर लेना है टिकटॉक से, और उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है, और यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो एडिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और टिकटॉक पर ट्रेंडिंग भी चल रहा है।
और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहा है, तो आप भी इस वीडियो को जरूर बनाएं और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। फिर मिलेंगे कौन सी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।